Hello everyone, I am Dr. Abha Kumari, Assistant Professor, Nimala College, Ranchi. Today, we are topic going to discuss planar graph from graph theory. Paper come from semester 4, SEC 2. So let us see what this planar graph means. A graph G is said to be planar if G can be drawn in a plane सो डैट नो एज इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट वर्ट तो अगर ऐसा कोई ग्राफ हमें मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि वह क्या है हमारा प्लानाग्राफ है नेक्स्ट है इफ अ प्लान इफ अ ग्राफ इज प्लान द ड्रॉइंग ऑफ दिस ग्राफ विथ नो एजिस क्रॉसिंग इस कॉल्ड अ प्लेन ग्राफ तो अगर हमने प्लानाग्राफ ड्रा कर लिया है और इस ग्राफ में कोई भी एज क्रॉस नहीं कर रहा है एक दूसरे के ऊपर कट नहीं कर रहा है तो ऐसा ग्राफ हमारा क्या कहलाता है प्लेन ग्राफ कहलाता है ठीक है नेक्स्ट है कि हमारा एम्बेडिंग ऑफ अ ग्राफ क्या है द द्रॉइंग ऑफ जोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ इन एनी सरफेस विथ नो इंटरसेक्शन ऑफ एजेस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ नो इंटरसेक्शन ऑफ एजेस इज कॉल्ड द एम्बेडिंग ऑफ अ ग्राफ इसमें इंटरसेक्शन आपको नहीं मिलेगा कोई भी कॉमन पार्ट जो है ग्राफ में वो नहीं मिलेगा अगर ऐसा कोई जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपने बना लिया तो हम उसे क्या कहते हैं इम्बेडिंग ऑफ अ ग्राफ ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट हमारे डेफिनेशन पे तो नेक्स्ट है हमारा मैप एंड रीजन तो देखते हैं हमारा मैप और रीजन क्या है कैसे हम मैप और रीजन को डिफाइन करते हैं तो मैप एंड रीजन अ पर्टिकुलर प्लानर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फाइनाइट प्लानर ग्राफ इज कॉल्ड अ मैप तो अगर कोई आपको फाइनाइट प्लानर ग्राफ मिलता है और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है एक मैप देगा। इसी मैप में हम देखते हैं कि हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट कैसे मिलता है और इसमें रीजन क्या होते हैं तो अ प्लानर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ डिवाइडेड प्लेन द्लेंस डिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस एजिस ओके एंड कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड the कॉल द रीजन तो ऐसा हमें जो भी फिगर मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं कि वो हमारा क्या है रीजन है द एरिया ऑफ द रीजन में बी फाइनाइट और इन फाइनाइट तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है एक फिगर मैंने ड्रॉ किया इस फिगर में देखो आपको यहाँ पे क्या है ये एक आर टू है आर वन आर फोर ये सारे क्या है आपके फाइनाइट रीजन वाइल आर सिक्स को हम क्या कह सकते हैं इन फाइनाइट रीजन ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज आवर प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्लानर ग्राफ तो व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्लानर ग्राफ लेट अस सी वन बाय वन सो प्रॉपर्टीज फर्स्ट वी से दैट लेट जी बी अ कनेक्टेड प्लानर ग्राफ विद एन इज ई एजेस एंड आर रीजन ठीक है तब हमारा इसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि डिग्री जो आर है उसका तो जो सम है वो हमेशा टू ई के बराबर होगा डेट इज टू टाइम द ज समल डिग्री ऑफ रीजन इक्वल क्या होगा टू टाइम उसके एज से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसको हम थ्री से डिवाइड कर दे तो जो भी हमें नंबर फाइंड होगा तो हमारा रीजन इस नंबर से हमें छोटा या क्या होगा बराबर होगा ठीक है थर्ड वर्ड ई लेस देन इक्वल टू थ्री एन तो एन क्या हमारा नंबर ऑफ वर्ड है तो कहता है कि ई e जो है एज जो है वो थ्री टाइम्स वर्टिसेस से हमेशा छोटा या बराबर होगा ये आपकी प्लानग्राफ की प्रॉपर्टी है दैट इज द नंबर ऑफ एजेस इज लेस देन और इक्वल टू थ्री टाइम्स द नंबर ऑफ वर्टिसेस तो प्रीवियस जो फिगर हमने ड्रॉ किया है आप लोग उसमें इस सारे नंबर्स को पुट करके प्रूव करिएगा कि क्या ये आपकी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है या नहीं अगर करता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर फोर थ्री एन माइनस ई ग्रेटर टू सिक्स तो यहाँ पे देखो क्या है थ्री टाइम वर्टेस जो है इसमें अगर हम एजेस को माइनस कर दे तो वो हमेशा छ से बड़ा या क्या होगा बराबर होगा ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है Next है नेक्स्ट कहता है अगर आर की वैल्यू जो है वो ई माइनस एन प्लस टू के बराबर होगा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वन इज ऑल्सो नोन एज वॉट यूलस फॉर्मूला जो हमने पहले कर रखा है तो R इक्वल टू ई माइनस एन प्लस टू नेक्स्ट अ कंप्लीट ग्राफ के एन इज प्लानर इफ एंड ओनली इफ एल एन इज लेस देन फाइव तो कोई भी ग्राफ हमारा प्लानर होगा तभी जब हमारे यहाँ पे एन की जो वैल्यू है वो क्या होगी पाँच से छोटा ठीक है तो ग्राफ क्या होगा हमारा प्लानर होगा अ कंप्लीट ग्राफ के एम एन इज प्लानर इफ एम लेस और एन ग्रेटर ठीक है तो यहाँ एम और एन दो नंबर्स दिए हैं आपने अगर एम की वैल्यू तीन से छोटी होगी और एन की वैल्यू तीन से बड़ी छोटी होगी तो हम क्या कहेंगे हमारा जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ है कंप्लीट ग्राफ है तो क्वेश्चन है। तो है। तो है। तो करते हैं इसके ऊपर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाएंगे अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपलाना सिंपल ग्राफ है नंबर ऑफ रीजन

छोटा निकल रहा है और कितना में वो स्प्लिट कर रहा है हमें ये बताना है ठीक है तो निकालते हैं द गि प्लेनरग्राफ हैज थर्टी वर्टाइस फर्स्ट वन सो वीवल्स टू वॉट वी आर टेकिंग द थर्टी देर आफ्टर ईच वर्टेक्स हैज डिग्री थ्री इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन दैट डिग्री ऑफ इच वर्टेक्स इज वॉट थ्री सो वी विल राइट द ईच वर्टेक्स हैज डिग्री थ्री देयरफॉर द सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टाइस टू थ्री टाइम्स वी

आर इक्वल टू ई माइनस वी प्लस टू आर क्या है आपका नंबर ऑफ रीजन ई क्या है एजेस वी क्या है आपकी वर्टेस यही है ना तो यहाँ माइनस थर्टी प्लस टू हम लोगों ने फोर्टी फाइव इसलिए यूज किया है क्योंकि हम सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेस को लगा रहे हैं तो यहाँ पे ई e आपका जो है वो आप एजेस को मत लीजिएगा एजेस तो हमारा एजेस ऑफ डिग्री थ्री है ठीक है लेकिन सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टाइस जो है क्या हमें ई e देता है और ई e की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एजेस है और देखो नंबर ऑफ एजेस हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है कि कितना मिला फोर्टी फाइव इसलिए हम लोग यहाँ पे ई e को हम लोग डाल रहे हैं फोर्टी फाइव दैट इज द नंबर ऑफ एजेस नॉट दिस वन दैट इज दिस वन इज अ डिग्री ऑफ एज ओके सो वी कैन नॉट राइट थ्री वी फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ एजेस एंड आफ्टर वी पुट दैट वैल्यू है 45,